हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरह की आंतरिक राहत ज़रूर महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस और बीजेपी के भीतर एक एंटी मोदी लॉबी इस जीत को आसानी से स्वीकारने के मूड में नहीं है। ये जीत जहां बीजेपी को हरियाणा में स्थायित्व दे रही है, वहीं पार्टी के भीतर मोदी विरोधी गुट और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जैसे नेताओं की नज़रें अब भी प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, खासकर तब जब राष्ट्रीय स्तर पर विरोधियों और आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में जीत ने बीजेपी को अस्थायी रूप से कुछ राहत दी है, लेकिन ये राहत कितनी टिकाऊ होगी इस पर पार्टी के भीतर ही संशय बना हुआ है। मोदी के नेतृत्व में ये जीत बीजेपी को भविष्य के चुनावों, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के लिए थोड़ी उम्मीद ज़रूर देती है, लेकिन ये जीत अकेले मोदी को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बीजेपी की जीत के बाद अब आरएसएस के मुख्यालय में कोई उत्साह जैसा माहौल नहीं दिख रहा है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और उनके अनुयायियों का मानना है कि हरियाणा जैसे छोटे राज्य में जीतने से मोदी की नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह समाप्त नहीं हो सकता, खासकर तब जब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और झारखंड के चुनाव अभी सामने बचे हों। आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रही खींचातानी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रही है। आरएसएस के भीतर कुछ गुट मानते हैं कि मोदी का नेतृत्व अब बीजेपी को उस प्रकार की विचारधारा से दूर ले जा रहा है जिसके लिए पार्टी और संघ ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। मोहन भागवत और उनके सहयोगी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं अब राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक एजेंडा से हटकर व्यक्तिगत लोकप्रियता और सत्ता की स्थायित्व पर केंद्रित हो चुका है। बीजेपी के भीतर एक एंटी मोदी लॉबी लंबे समय से सक्रिय रही है और हरियाणा चुनाव की जीत ने इस गुट को और सक्रिय कर दिया है। इस लॉबी का मानना है कि मोदी के नेतृत्व के कारण ही पार्टी के आंतरिक ढांचे में असंतुलन पैदा हो गया है। ये नेता मानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों में पार्टी की छवि और सिद्धांतों को नुकसान पहुँचाया है। एंटी मोदी लॉबी के नेताओं को ये लगता है कि हरियाणा की जीत से बीजेपी का संकट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये जीत पार्टी के आंतरिक गुटों को और भड़काने का काम कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आने वाले हैं और अगर वहाँ बीजेपी का कोई गंभीर नुकसान होता है तो एंटी मोदी लॉबी को और ताकत मिलेगी। हरियाणा की जीत के बावजूद बीजेपी के सामने महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों के चुनौती अभी भी बनी हुई है। महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव परिणामों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा। मोदी सरकार को जहां हरियाणा में थोड़ी राहत मिली है, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP और कांग्रेस का गठबंधन अभी भी मजबूत बना हुआ है। झारखंड में भी बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितने पहले हुआ करती थी। राज्य में आदिवासी मुद्दों, बेरोजगारी और सामाजिक असंतुलन जैसे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ काम कर सकते हैं। मोहन भागवत और आरएसएस के कई प्रमुख नेता इस बात से चिंतित हैं कि मोदी सरकार इन राज्यों में पारंपरिक बीजेपी समर्थक वोटरों की ज़रूरत को पूरा करने में असफल हो रही है। मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी जीत तो हासिल की है, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी का संगठन और उसकी विचारधारा कमजोर हो रही है। आरएसएस का ध्यान हमेशा से बीजेपी के वैचारिक नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर रहा है। मोहन भागवत के नेतृत्व में आरएसएस ने बीजेपी के साथ मिलकर कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब संघ का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि पार्टी को अपने मूल सिद्धांतों पर वापस लौटने की ज़रूरत है। आरएसएस का मानना है कि केवल चुनाव जीतना ही बीजेपी की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, पार्टी को सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए जो उसके गठन के समय उसकी पहचान हुआ करती थी। मोदी सरकार की तरह बीजेपी ने आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिससे पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक ढांचे में कुछ दरारें दिखाई देने लगी हैं।
हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए एक स्वागत योग्य परिणाम हो सकता है, लेकिन ये केवल एक अस्थायी राहत होगी। पार्टी के भीतर और बाहर मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कई नेता और गुट अभी भी सक्रिय हैं। आरएसएस और बीजेपी के भीतर के इस समीकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पार्टी को अपना आंतरिक खींचतनी से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनाव बीजेपी के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर इन राज्यों में बीजेपी का कोई बड़ी हार मिलती है तो एंटी मोदी लॉबी को और भी बल मिलेगा और आरएसएस के भीतर भी मोदी के नेतृत्व पर सवाल फिर से उठेंगे। मोहन भागवत और उनके सहयोगी इस जीत को भले ही पार्टी के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हों, लेकिन उनकी चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम ये तय करेंगे कि बीजेपी के भीतर सत्ता का संतुलन कैसे बदलता है और मोदी का भविष्य क्या होगा। इन सब के बीच हरियाणा की जीत ने केवल एक अस्थायी राहत दी है, लेकिन पार्टी के भीतर के गहरे मतभेद और चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।